नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में आरा सीट की। आरा से 2019 में कौन बनेगा सांसद। आरा अति प्राचीन शहर है, ये अरण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यह गंगा और सोन की उपजाऊ घाटी में स्थित है। आरा भोजपुर का जिला मुख्यालय भी है। 1971 के पांचवी लोकसभा चुनाव तक आरा को शाहबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1977 के दौरान आरा को अलग संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली, तब आरा अस्तित्व में आया। गंगा और सोन के द्वाब में स्थित संसदीय क्षेत्र आरा कृषि प्रधान और बीरों की भूमि है। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा बाबू बीर कुंवर सिंह की कार्यस्थली इसकी पहचान है। आरा की प्राचीनता का संबंध महाभारत काल से भी है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का गुप्त काल यहीं बिताया था। पहले यहाँ मयूर ध्वज नामक राजा का शासन था। ऐतिहासिक विरासत को समेटे इस इलाके में यहाँ महाभारतकालीन अवशेष पाए गए हैं। गंगा और सोन की उपजाऊ घाटी में स्थित होने के कारण यह अनाज का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र तथा वितरण केंद्र है। भोजपुर का आरा शहर का नाम संस्कृत के अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है जंगल। इसका तात्पर्य यह है कि आज का आरा पूर्व में एक घनघोर जंगल था। एक मिथक के अनुसार भगवान राम के गुरु आचार्य विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र में कहीं था। हालांकि यह अशोक सम्राट के साम्राज्य के अंतर्गत था। जिला का अधिकांश भाग में बुद्ध के स्मारक दिखते हैं, जो इंगित करता है कि उस समय अधिकांश भाग बुद्ध से प्रभावित था। बिहार की राजधानी पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1952 में यह सीट पटना शाहबाद सीट हुआ करती थी। वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के राजकुमार सिंह कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार में है। वहीं आरा लोकसभा की अपनी अलग पहचान भी है। अगर देश विदेश में कहीं भी बात हो बिहार की, तो उसमें आरा की बात तो होना ही है। अपनी अलग पहचान के लिए मशहूर आरा भोजपुर जिले का हिस्सा है, जिसका हेड क्वार्टर आरा में पड़ता है। इस सीट का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व काफी है। आरा क्षेत्र के लोग उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। समता आंदोलन के नेता बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री से लेकर कई बार केंद्रीय मंत्री रहे। वे इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनके नाम हैं अगियाव, संदेश, शाहपुर, बड़हरा, तढ़ाड़ी, आरा और जगदीशपुर। इनमें अगियाव विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व है। आरा 1972 तक सासाराम में हुआ करता था, बाद में बक्सर में मिला दिया गया। 1991 के पहले आरा में बक्सर और आरा संसदीय क्षेत्र आते थे। आरा से अलग होने वाले रोहतास में सासाराम और विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र परिसीमन के बाद काराकाट आ गए। चुनाव में बीजेपी के राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के श्री भगवान सिंह कुशवाहा को हराया। आरके सिंह को 3,91,074 वोट मिले, जबकि कुशवाहा को 2,55,204 वोट। वोट प्रतिशत देखें तो आरके सिंह को कुल 43.78% वोट मिले थे, जबकि कुशवाहा को 28.57%। इस सीट पर नोटा के तहत 14,703 वोट दर्ज हुए। कुल वोटों का यह 1.65% था। 2014 में 57.81% पुरुषों और 42.19% महिलाओं ने वोट किया था। वहीं आरा जिले के सबसे लोकप्रिय मुखिया माने जाने वाले प्रमोद कुमार तिवारी से शाहबाद से जुड़ी विकास के कार्यों सहित अन्य मुद्दे पर बात मुखिया प्रमोद कुमार तिवारी से हुई। यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो अरण्य देवी इस शहर की आराध्य देवी है। मठिया का राम मंदिर प्रसिद्ध है। वहीं बरहरा प्रखंड के बखोरापुर में माँ काली का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। जैन समाज का भी कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है।
राजनीति में आने से पहले आर के सिंह पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं। 2014 में गठबंधन की राजनीति के कारण 23 साल बाद आरा से बीजेपी के टिकट पर किसी को चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं था और आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा से कड़ी टक्कर थी। राजनीति और सहकारिता क्षेत्र की वजह से भोजपुर के लोगों में अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय तपेश्वर सिंह की बहू और निवर्तमान सांसद दो मीना सिंह भी मैदान में थी। इस सब के बावजूद मोदी लहर ने यहाँ से बीजेपी को आसानी से जीत दिला दी। मीना सिंह 2009 में यहाँ से सांसद रह चुकी है। बीजेपी ने 2014 में चुनाव जीते आर के सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट पर महागठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यह सीट 1.35 लाख मतों के अंतर से जीती थी। इस बार बीजेपी को जेडीयू और लोजपा का साथ मिलेगा, जबकि माले को महागठबंधन का साथ है। वहीं अन्य पार्टियों के कैंडिडेट सहित निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में हैं। आरा के बाकी हिस्सों से ट्रेन और सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहाँ वीर कुंवर सिंह नाम पर विश्वविद्यालय है। कई उच्च स्तरीय कॉलेज और स्कूल जिले की पहचान बनाते हैं। भोजपुर जिला के 3 सब डिवीजन हुए, आरा सदर, जगदीशपुर और पीड़ो, और 13 प्रखंड है। आरा शहर भोजपुर का प्रमुख शहर बन गया और जिला का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषा भोजपुरी व हिंदी है। वहीं अगर बात करें मतदाता की तो 18,51,975 मतदाता, जिनमें कि पुरुष मतदाता की बात करें तो 10,21,640 पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाता 8,30,335 है। आरा में 19 मई को 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा, वहीं नतीजा 23 मई को आएंगे। आपका मत ये निर्णय करेगा कि किसे आप फिर से अपना सांसद चुनकर और दिल्ली भेजते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।